नमस्कार, मैं शैलेश सिंह एक बार पुनः अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज जो मैं जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा हूं वो है ब्लू कॉलर एम्प्लॉई के बारे में। आज जो इंडिया की बूमिंग इकोनॉमी है उसमें ब्लू कॉलर एम्प्लॉई का क्या महत्व है। दोस्तों, फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ ब्लू कॉलर एम्प्लॉई। ब्लू कॉलर एम्प्लॉई है क्या? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस शब्द की उत्पत्ति 1920 के दशक में, मतलब कोई आज से 100 साल पहले हुई थी। और ब्लू कॉलर शब्द का प्रयोग उन एम्प्लॉई को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता था जो किसी संस्थान में मैनुअल काम करते थे, और जो है जो वो मैनुअल काम करते हैं की वजह से, वो जो मशीन पे काम करने की वजह से उनको डार्क कलर की पोशाक पहननी पड़ती थी ताकि दाग धब्बों से बचा जा सके। तो इन कारणों से उनको ब्लू कॉलर एम्प्लॉई कहा जाने लगा, जिसमें कि ये माना जाता था कि बहुत विशेष कौशल की उनमें जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत नहीं होती है, और उनका सोशल स्टेटस भी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉई की तुलना में बहुत कम होता था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो इस कलर के एम्प्लॉई के ब्लू कलर की श्रेणी में कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वाले एम्प्लॉय के, मशीन अथवा अन्य मेंटेनेंस जॉब में काम करने वाले एम्प्लॉय, माइनिंग में काम करने वाले एम्प्लॉय इस कैटेगरी में आते थे, जिनको माना जाता था कि कम शिक्षित और कुशल होंगे, और जो है निचले तबके के लोग जो आते हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते, वो इस श्रेणी के कर्मचारी की श्रेणी में जनरली आते थे। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये धारणा बदल गई, इस शब्द का विकास हो गया। आज बहुत सारे ब्लू कॉलर कर्मचारी बहुत ही शिक्षित और पढ़े लिखे होते हैं और उनका वेतन भी बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि किसी कार्य को जो अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, कंप्यूटर है, बहुत सारे मशीन जो है ऐसी नई आई हैं जिसमें जो है लोगों की स्किल की जरूरत पड़ती है, तो इसी हिसाब से ध्यान में रखते हुए अब इस तरह के कर्मचारियों को भी विशेष योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले वेंडर हुए, एरोनॉटिक्स टेक्नीशियन हुए, फिल्म मेकिंग एक बहुत टेक्निकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर फिल्म मेकिंग टेक्नीशियन हुए, और जो है एनर्जी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और जो है एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वे हुए, सबवे ऑपरेटर, ये सारे ही ब्लू कॉलर एम्प्लॉई की कैटेगरी में दोस्तों आते हैं। अब हम ये मानते हैं कि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है 4 साल या की डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स की जरूरत नहीं, लेकिन छोटे छोटे ट्रेनिंग के द्वारा जो है इनका स्किल लेवल बढ़ाया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ाए जैसे कि इनकी कार्यकुशलता को बढ़ाते हुए, और जो है इनको कुछ सर्टिफिकेट देते हुए, और इनको अच्छे जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में हाल में ही एक अद्वितीय पुनर्जागरण देखने को मिला है जिसे कई महत्वपूर्ण कारकों ने प्रेरित किया है, तो उसके कारण से ब्लू कॉलर एम्प्लॉई की डिमांड में भारी वृद्धि हो गई है, और आज ब्लू कॉलर एम्प्लॉई जो है ना इंडस्ट्री की जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या कोई सी भी जो इंडस्ट्री है उसकी ऋण की हड्डी, मतलब ब्लैक बैक बोन माना जाने लगा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचे थे उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, जैसे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम और हाईवे, रेलवे, स्मार्ट शहरों के निर्माण ने ना श्रमिकों की मांग को बहुत बढ़ा दिया है, और खास तौर से टेक्निकल श्रमिकों की मांग में, जिसमें कि इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेंडर्स हैं, इनकी मांग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसी के साथ दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की पहल ने जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना, और जो है कॉटन इंडस्ट्री है, हमारे वस्त्र उद्योग है, उसमें भी कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और नौकरी के नए नए अवसर पैदा किए हैं दोस्तों। साथ ही साथ ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग का उदय हुआ, आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर ने किस तरह से चीज़ों को पूरा ही चेंज कर दिया है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शॉपिंग के उदय से दोस्तों वेयर हाउस जो एम्प्लॉई हैं उनकी, जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए एम्प्लॉई होते हैं उनकी लॉजिस्टिक को जो है कंट्रोल करने के लिए इन तरह के एम्प्लॉई की जरूरत होती है, और इस कारण से भी इनकी मांग बहुत बढ़ी हुई है इन क्षेत्रों में भी। स्वास्थ्य सेक्टर का भी बहुत विस्तार हुआ है जिसमें नर्सेस, पैरामेडिक्स और मेडिकल टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है,
और इनको अच्छा वेतन भी दोस्तों यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ दोस्त आप जानते हैं छोटे और मध्यम जो उद्योग है MSME उनमें भी आज जो है काफी ज्यादा ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की जरूरत पड़ रही है, जिसमें कि कुछ ऐसे उद्योग है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप जानते होंगे छोटे छोटे जो है धातु का काम करने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले जो इंडस्ट्री हैं उनके अंदर नौकरियों के बहुत नए नए अवसर पैदा हुए हैं। और इन सबको जो है इस सब इस इंडस्ट्री की मांग जो है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की, उसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया, जिसके अंतर्गत कि छोटे 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 जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू उनके जो है स्किल लेवल को बढ़ा के उनके छोटे प्रशिक्षण के द्वारा उनके कौशल और उनके कौशल विकास को बढ़ा के उन कार्यक्रम के माध्यम से हम जो है भारत सरकार जो है इस तरह से जो है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की डिमांड को जो है पूरा कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो है जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ना स्टार्ट हो गई है। जैसे अगर आप देखिएगा तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा, सफाई कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। साथ ही साथ जो कचरा प्रबंधन कर्मी हैं, जिनको वेस्ट कंट्रोल के जो एम्प्लॉय हैं उनकी, और शहर के अंदर जो सफाई समूह बना हुआ है उनके अंदर भी ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की मांग बहुत बढ़ी हुई है और उनको एक अच्छा खासा वेतन भी मिल रहा है। दोस्तों यही नहीं, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय जो है भारत के जो बढ़ता हुआ जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है और जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसमें ट्रक चालक, वेयर हाउस स्टाफ, कार्गो हैंडलर्स, इनकी भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है और ये डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़्यादा जो है डिमांड जो है आने के कारण भी यहाँ पे एक जो है धीरे धीरे इसके अंदर भी मांग बढ़ गई है। नवीन ऊर्जा परियोजना और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास से भी जो है इस वाले जो ऊर्जा का जो क्षेत्र है, नवीन ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें भी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके अंदर जो है टेक्नीशियनों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी नौकरी हो गई हैं, जिसको कि आप जो है हम अपने जो है जो भारत की जनता है जो हमारे रोजगार पाने के लिए प्रयासरत हमारे युवा हैं उनको छोटे छोटे प्रशिक्षण के द्वारा जो है हम उनको इस तरफ जो है बड़ी तेजी से इनको नौकरी मिल रही है। तो दोस्तों अगर हम ये देखें कि जो भारत का आर्थिक पुनर्जागरण हुआ है जिसमें कि सरकार और निजी क्षेत्र और भी कई प्लेटफॉर्मों के जो है संयुक्त प्रयासों से ऐसा कुछ हो गया है, उसने ब्लू कॉलर के कर्मचारियों की एम्प्लॉय की डिमांड को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। सही मायने में तो देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार आज 2023-24 में करीब 2.4 करोड़ ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की आवश्यकता है और जो डिमांड 2028 तक एक अनुमान के अनुसार करीब 9 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो आज जो सप्लाई है वो जो डिमांड है 2.4 करोड़ है, जो कि करीबन से करीबन 4 गुना बढ़कर करीबन 9 करोड़ के आसपास, पौने चार गुना बढ़ के 9 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। और इसके कारण से जो हमारे यहाँ जो एक गैप क्रिएट होने वाला ब्लू कॉलर एम्प्लॉय का, वो एक शोचनीय विषय है। तो दोस्तों ये है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय और आज के दिन में उनकी उपयोगिता, किस तरह से वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, आते समय में इनका क्या पर्सपेक्टिव होगा, किस तरह से हम डिमांड सप्लाई को पूरा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का एक जो है बहुत ही सोचनीय विषय है कि हम किस तरह से इस पे इसको ओवरकम करेंगे। तो ये एक सोचनीय विषय है। चलिए हम आपको आपके अगले वीडियो में फिर इसके ऊपर और भी बातें करेंगे, लेकिन हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बेल बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में लाकर कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद, सब्बा खैर, फिर मिलेंगे।
नमस्कार।